पूछ यार जो परीक्षा में आता है। बोले ये क्या पूछे, ये तो बता लेगा। वो बता लेगा इसलिए नहीं पूछोगी क्या? इसलिए पूछना चाहिए कि वो बता ना पाए? सवाल इसलिए होना चाहिए कि सामने वाला बता ना पाए? ये देखा गया कि हम सिंपल सहज नॉर्मल को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि यार हम पूछ लेंगे कि शकुंतला की दो सहेलियाँ कौन हैं, तो आप छोटे हो जाओगे। अरे आप पूछ लोगे तो वो बता लेगा, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। चुट्टा हराम को यही पूछा जाए, यही पूछ, पहले पहले यही पूछ, पहले ये पूछ और यही पढ़। समझ में आया? थोड़ी बातें कड़वी ज़रूर होती हैं क्योंकि सच कड़वा ही होता है, पर हकीकत यही है, सच्चाई यही है। हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं, हॉस्टल में लड़के भी रहते हैं। अब उनसे कहो कि भाई साहब प्रश्नोत्तरी करो, तो उनकी प्रश्नोत्तरी की एक ऑडियो बनाना, फिर देखना कैसे ये एक मेंटालिटी बन गई है लोगों की। क्या यार तू सवाल कर रहा है? वो बड़ा बंदर से घुस घुस के ऐसा पूछेगा, और जब उसका कोई नहीं बता पाता, अरे फिर हम पूछे तो कोई बता ही नहीं पाया, तो एक नंबर के हराम खोर है। यदि तुम्हारा पूछा कोई नहीं बता पाया तो यू आर वेरी बैड माइंड, इतने बुरे आदमी हो। क्या ऐसा पूछना चाहिए कि किसी से बने नहीं? नहीं, हमेशा टीचर बनना, पेपर बनाने को मिलेगा। ऐसा पूछना कि एक भी छात्र ऐसा ना हो जिससे बने ना। अच्छा मास्टर वही है जब आप सवाल करो। आप किसी से 100 सवाल कर दो, उससे 90 ना बने, वो जिंदा मर जाए, हत्या हो जाए उसकी, मर जाएगा वो आदमी। किसी का मोरल डाउन कर देना हो, किसी का कॉन्फिडेंस लूज कर देना हो, किसी के आत्मविश्वास को ख़त्म कर देना हो, तो उसको किसी प्रकार का एक आठों ऐसा पेपर ले लो, मर जाएगा वैसे। नहीं, मैं ये सामान्य सहज बातें आपसे कह रहा हूँ। आप कल को अध्यापक बनोगे, मास्टर मास्टराइन बनोगे, और ये मेंटालिटी लेकर के स्कूल में बहुत सारे मास्टर मास्टराइन देखे जाते हैं, फिर ऐसा पेपर बनाते हैं कि अपने भूल जाते हैं कि इसका उत्तर क्या है। जब पेपर बना रहे होते हैं तो आपके सामने किताब रखी होती है। बेहतर ये है कि एक पढ़ा लिखा टीचर बिना किताब के पेपर सेट कर दें, और उसको पता रहे कि जो मैं पूछ रहा हूँ वही बच्चा बता पाए, ठीक है? और नहीं, ध्यान रखना, जिस दिन कोई आदमी सौकात में आ ही जाएगा कि हम पूछेंगे तुम ना बता पाओ, तो एक छात्र प्रोफेसर से वो सवाल कर लेगा जो प्रोफेसर उत्तर ना दे पाए। समझ में आया? सवाल करना बड़ा आसान होता है, उत्तर देना मुश्किल होता है। और कोई आदमी जैसे आप 100 सवाल करें, 95 सवालों का जवाब दे दिया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आकाश पहुंच जाएगा। आत्मविश्वास किसी का ख़त्म ना हो जाए इसका पूरा प्रयास करना चाहिए, ठीक है?